तो सवाल नंबर 18 इसमें दे रखा है पेड़ पर लगे फलों फूलों का वितरण दे रखा है, कितने कितने फूल लगे हैं पेड़ों पर ये दिया हुआ है, और फूलों के वितरण का वितरण के अवकिरण की प्रथम घात भी ज्ञात करनी है और उसका गुणक भी ज्ञात करना है। फूल वितरण का मतलब हमें फूल से मतलब है, तो मतलब ये वाली क्या होगी आपके एक्स होगी और ये वाली क्या कहलाएगी आपके एफ कहलाएगी, तो उल्टा दे रखा है। जो पूछे जैसे कहा फूलों वितरण दे रखा है और वितरण का ही हमें अवकिरण ज्ञात करना है, तो अवकिरण ज्ञात करना है तो इसको क्या मानेंगे हम एक्स मानेंगे जिसको पूछा। अगर यह पेड़ों का वितरण दे रखा होता तो हम पेड़ को इसको एक्स मानते इसको क्या मानते एफ मानते, फूलों का वितरण दे रखा और वितरण का ही अवकिरण ज्ञात करना है तो ये क्या होगी आपके एक्स और ये होगी आपके एफ। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, ये हो गया है 0, 2, 4, 6 और ये हो गया है आपके 8। फिर है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये वाली कहलाएगी फ्रीक्वेंसी क्योंकि फूलों का जिसका ज्ञात करना हो वो पहले आएगा। फिर है आपके 1, 10 भी है ये भी आ गया 1, 3, 7, 11, 15 और दे रखा है आपके 20। अब हमें ज्ञात करना है अवकिरण की प्रथम घात, प्रथम घात कहते हैं आपके SM को, इसे कहते हैं ये प्रथम घात है बाकी समांतर माध्यम दूसरे वो अलग है, मेन जो है इसीलिए तो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं दे रखा है सवाल है केवल माध्यम लिखा हुआ है तो हम क्या ज्ञात करते हैं मध्य कैसे लेगा वितरण ज्ञात करते हैं, इसलिए ये क्या है कि प्रथम घात है पहले इसे मान्यता देनी है। और फिर उसका गुणक कहा है तो क्या लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ SM, ये भी करना है हमें ज्ञात। अगर ज्ञात करना है सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम CF ज्ञात करेंगे, तो CF ज्ञात करो बताओ कितनी आएगी 1 का 1 प्लस 1 और 3 4 4 4 और 7 11 11 और 11 22 22 और 15 ये हो गए 38 और 20 कितना हो गए आपके 58 या 37 तो यह हो गए आपके 57 1 और 3 4 7 11 11 22 15 37 20 कितने होते हैं आपके 57। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम मध्य का सूत्र क्या है ज्ञात करने का n+1/2 मतलब 57/2 बराबर कितने होंगे आपके 28 57+1/2 मतलब हो गया है आपके 58/2 ये बराबर हो गए हैं आपके 29वां पद। ये कहाँ देखेंगे हम CF में देखेंगे, तो 29वां पद कहाँ आता है CF में 22 और 37 में, इसके सामने वाला उत्तर लिखेंगे 8 तो मध्य का हो गई है आपके 8 हो गई। अब एक को क्या करेंगे एक्स माइनस एम घटाएंगे और अगर हमारे पास क्या दे रखा है एफ दे रखा है तो एफ से क्या करेंगे वापस गुणा भी करेंगे, पहले हम घटाएंगे तो घटाओ 8 में से गए एक्स का वैल्यू घटाना है तो 8 माइनस 0 ये एक्स है तो ये रहा एक्स है और ये हम ये घटाएंगे 8 माइनस 0 8 6 4 2 0 वापस क्या गया 2 10 में से 8 गए 2 प्लस माइनस आएगा नहीं। अब गुणा करना है इसको इससे किसको एफ को इससे 8 एकम 6 3 18 7 4 28 11 2 22 15 0 0 और 20 कितना हो गए 40 सबको जोड़ो ये तो होते हैं आपके 50 यही है 50 50 40 90 90 और 10 100 100 और 16 कितना हो गया आपके 116 ये दे रखे 57। अगर अब आपको ज्ञात करना है क्या पहले करेंगे SM फॉर्मूला क्या है इसकी जोड़ इसके आगे क्या लगाएंगे हम सिग्मा लगाएंगे एफ एक्स माइनस एम बटा लगाएंगे एन। और अगर आपको ज्ञात करना है कोएफिशिएंट ऑफ SM फाइंड करना है फॉर्मूला क्या हो जाएगा SM बटा एम। सबसे पहले तो ज्ञात करना है आप इसकी जोड़ कितनी है बताओ जोड़ रही है 116 बटा एन कितना है 57 तो 57 का भाग दो 116 भाजक 57 ये हो गया आपके 2.035। अब एस ये क्या करेंगे 2.035 में भाग देंगे एम का एम कितनी है 8
जैसे बाहर दिया आठ का 2.035 में भार देंगे हम आठ का, ये आएगा आपके 0.279। ये आता 2.035 भाजक आठ पांच चार, ये आ रहा है। अब आगे समझे ये वाला, फूलों पर का है तो फूलों को एक्स मानेंगे, उसको क्या मानेंगे एफ मानेंगे। प्रथम घात हमेशा क्या होती है मध्य का, मध्य का को हमें पहले मान्यता देनी है, क्योंकि हमेशा अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हमेशा मध्य का से लिया गया विचलन ही हमेशा ज्ञात किया जाता है। अब है आपके ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा है समांतर माध्य भी ज्ञात करो और समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन का गुणक भी ज्ञात करना है, कोएफिशिएंट भी ज्ञात करना और ये भी ज्ञात करना। लेकिन ये कैसे ज्ञात होगा, पहले ये ज्ञात होगा, मतलब एस समांतर माध्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले समांतर माध्य ज्ञात हो, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एक्स लेते हैं, एस मतलब मिड वैल्यू, समांतर माध्य ज्ञात करना मिड वैल्यू लेना ही पड़ेगा। बताओ जीरो और दस के बीच में क्या आता है, पांच, कितने कितने दस का अंतर है, दस जोड़ दे रो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और कितने हो गए 85। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन समांतर माध्य ज्ञात करना है तो एफ एक्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स बटा एन या सिग्मा एफ भी लगा सकते हो। गुणा करो 525 को गुणा करेंगे 5 से, ये आता है 2625। 495 को गुणा करेंगे 15 से, ये आता है 7425। 630 को गुणा करेंगे 25 से, ये आता है 15750। 370 को गुणा करेंगे 35 से, ये आता है 12950। 240 को गुणा करेंगे 45 से, ये आता है 10800। 115 को गुणा करेंगे 55 से, ये आता है 6325। 58 को गुणा करेंगे 65 से, ये आता है आपके 3770। 14 को गुणा करेंगे 75 से, ये आता है आपके 1050। 3 को गुणा करेंगे 85 से, ये आता है 255। टोटल कर लो, टोटल आती है एम आप से कर लो कि आता है 60950। गुणा करते रहो और एम प्लस दबाते रहो तो आ जाएगा आपके 60950। अब एफ की जोड़ कितनी है, 525 प्लस कितना देखो 525 प्लस 495 प्लस 630 प्लस 370 प्लस 240 प्लस 115 प्लस 58 प्लस 14 प्लस 3, ये हो गया 2450। ये आपके एफ ही है, कोई सी एफ नहीं है। कैसे, क्योंकि सी एफ किसमें आती है, केवल से कम और से अधिक लिखा हुआ, मोर देन लेस देन अबव, ऐसा हो तो ही सी एफ होती है, सीधी सी एफ या उल्टी सी एफ। वर्ण दे रखा है तो कभी भी आपके सी एफ तो नहीं होगी, हमेशा क्या होगी आपके एफ ही होगी। अब ये तो आया है 60950 और ये कितना आया है आपके 2450। 60950 भाजक 2450, ये आया है आपके 24.88 आ रहा है 24.88। अब ये तो आपके समांतर माध्य है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस समांतर कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, तो कोएफिशिएंट पहले हमें एस समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। उसके क्या करेंगे हम, एक्स में से घटाएंगे समांतर माध्य और फिर हम क्या करेंगे, एफ भी दे रखा है, क्या करेंगे फिर हम एफ से गुणा भी करेंगे उसको। अब एक्स माइनस ये रहा एक्स, इसमें से घटाएंगे ये वाला, तो 24 में से 5 गए, फिर क्या कितने बचे 19.88। 10 का अंतर है, कम करते रहो 9.88। फिर यहां अंतर कितना है, केवल 0.12 का अंतर है। जब चेंज होगा ना, जैसे 24 से कम थे अब 24 से क्या ज्यादा आ गए, तो थोड़ा चेंज होगा, या फिर घटा के देख लो 25 से 24 में 88 है, कितना फर्क, केवल 0.12 का फर्क है। अब 10 आगे बढ़ रहा है, 10 से जोड़ दे लो 10.12, 20.12, 30.12, 40.12, 50.12,
और 60.12 जहां 24.88 जिसके पास है जब चेंज होगा तो थोड़ा बहुत वहां पर आपको फर्क आएगा, मतलब यहाँ जो संख्या दे रही थी आपके 88.12 आ जाएगा, 87 तो 13 आ जाएगा, 50 तो 50 आ जाएगा, 40 तो 60 आ जाएगा, पीछे वाले पॉइंट थोड़े चेंज होंगे। यहाँ आपकी घटा के देख लो, सबसे अच्छा सब चार चेक करके देख लेना है घटा कर, और सबको एफ से गुणा करना है, ये रहा एफ गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या होगा, देखो 525 को गुणा करेंगे 19.88 एम प्लस, ये होता है 10,437। फिर है आपके 495 का गुणा करेंगे 9.88 से, ये आता है 4,890.6। 630 को गुणा करो 0.12 से, ये आता है 75.6। 370 को गुणा करना है 10.12 से, ये आता है 3,744.4। 240 को गुणा करना है 20.12 से, ये आता है आपके 4,828.8। 115 को गुणा करेंगे 30.12 से, ये आता है आपके 3,463.8। फिर 58 को गुणा करेंगे 40.12 से, ये आता है 2,326.96। 14 को गुणा करेंगे 50.12 से, ये आता है 701.68। फिर 3 को गुणा करेंगे 60.12 से, ये आता है आपके 180.36। सबकी एक साथ जोड़ तो एमआर से लगा दो, ये आ जाएगा 30,649.2। अब सबसे पहले याद करेंगे मीन डेविएशन, मतलब SM फॉर्मूला क्या है याद करने का, एस एक्स है समांतर माध्य आएगा ये लगाएंगे, इसकी जोड़ सिग्मा, इसकी जोड़ आइए पूरा आगे लगा दो, एफ एक्स माइनस समांतर माध्य बटा एन, ये तो है 30,649.2 और ये दे रखा है 2,450। 30,649.2 में भाग लगाओ 2,450 का, ये आता है आपके 12.51। ये दस समांतर माध्य है, ये हमें क्या याद करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एस समांतर माध्य, सूत्र क्या याद करने का, एस समांतर माध्य बटा समांतर माध्य, एस समांतर माध्य ज्ञात है कितना आया था 12.51 और ये आया है 24.88। 12.51 भाजक 24.88 ये आ रहा है आपके 0.5 5028 जितना चाहो लिख लो।